वाले हैं देखो उतरी खुशियों की बारिश अब सिफारिश नहीं होती मेरी। सो है गाइस, आज है तारीख 20 सितंबर। तो आज हमारे गेम्स, उस दिन से मतलब डिले हो रहा था कि आज बारिश तो कोई नहीं, आज है गेम्स तो आज ही होने वाले हैं। तो चलते हैं कि फील्ड में कि क्या क्या होता है यार आज हमारे साथ, और जो अपना है अपना 100% देंगे हम, बाकी चलते हैं। कृष्णा लोग निकल चुके हैं, मैं जा रहा हूँ पीछे से, तो चलते हैं, मिलते हैं आपको फील्ड में, बाकी वहीं बात करते हैं अपने आपसे। हम जा रहे हैं स्कूटी में, साधन बाइक स्कूटी। हम लोग पहुंच चुके हैं और फील्ड में अभी इतने ज़्यादा बच्चे नहीं आए, थोड़े बहुत नीचे हैं, थोड़े बहुत ऊपर हैं। तो देखते हैं कि कब तक स्टार्ट होता है हमारे गेम्स। मैंने अभी इस मूव स्प्रे करवा दिया पूरी बॉडी में, उसके बाद जलन मच रही थी बट कोई नहीं। और विंडशीटर पहन लिया मैंने, कृष्णा ने भी करा, देखो उसने भी पहनने का विंडशीटर। और धूप बहुत तेज़ है बट कोई नहीं, हमें तो बॉडी गर्म ही रखनी है ताकि हमें भागते हुए या फिर भागने से पहले आलस ना। तो जब भी होगा हमारा स्टार्ट, अभी थोड़ा वार्म अप कर रहा था मैं, इसलिए थकान सी लग रही, 200 कुछ। तो अब देखते हैं कब तक स्टार्ट होता है गेम्स। बहुत अभी बच्चा आई नहीं ना पूरे, इसलिए तो अभी टाइम लग सकता थोड़ा बहुत, 9 तो बज ही गए होंगे शायद। तो देखते हैं कब तो होगा स्टार्ट। मेरा होने जा रहा है लॉन्ग जंप, तो मैं ये चेंज करता हूँ। तो गाइस पहले राउंड में मतलब मेरे पहले राउंड में तो बहुत फाउल गया था, मतलब पैर आगे पीछे हो गया था तो मार नहीं पाया, और बहुत पीछे भी पड़ा था, मतलब उस टाइम नापा नहीं था। फिर दूसरी, जब ये दूसरा टाइम है मेरा, तो इसमें मारा था मैंने 5.60 या 5.40, और तीसरे में मारा था मैंने 5.70, तो ये ठीक था लास्ट वाला। A few moments later. और उसी मतलब उसी टाइम थोड़ी देर बाद मतलब कि हमारा 100 मीटर होने वाला था हिट, तो मतलब फिर मैं बीच में व्लॉग भी नहीं बना पाया। तो बच्चों को कुछ समझा रहे थे सर लोग कि ऐसा फाउल नहीं करना है, पैलेट में उठना है, पैर वैर कैसा रखना है। बाकी हमने जो प्रैक्टिस करा वो तो हमने अपना दिया, और सर लोगों ने हमें इसलिए उठा दिया। क्या हो गया? बहुत देर तक ऐसे बैठे थे, बैठना नहीं आ रहा, बैठे नहीं रहता हम लोग। तो अभी हम लोग बैठे हैं भाई, आगे से हट जाओ। मतलब 100 मीटर का तो ठीक था, देखो वो बच्चा गया ना पहले उठ गया। ये तो क्या कर रहे हैं, 14 की तरह कर रहे हैं। फिर से उठाया मैं सर ने कि फिर लास्ट टाइम रिलैक्स हो जाओ, और फिर जल्दी बिठाया, और फिर सबका ठीक था, मतलब मेरा तो ठीक ही था। तो यहाँ तो मतलब ठीक था, बट हमें स्टेट डिस्ट्रिक्ट में करना है कुछ ना कुछ। हमारा 100 मीटर, 100 मीटर में तो फर्स्ट आया था मैं। A few moments later. तो उसी के जस्ट बाद हमारा फिर फाइनल 100 मीटर हो गया था। तो मैं बहुत थक गया था कि पहले लॉन्ग जंप किया फिर मैंने, और उसके बाद जस्ट उसके बाद फिर मैंने 100 मीटर हिट भी करा, और धूप बहुत तेज थी, और बॉडी गर्म करने के लिए मतलब मैंने विंडशीटर पहना था। उसके जस्ट बाद फिर मेरा फाइनल 100 मीटर हुआ, जो कि काफ़ी ठीक था। और स्टार्टिंग तो मुझे मतलब अच्छा लगा स्टार्टिंग मेरा। और A few moments later. मेरा हो चुका है 100 मीटर और लॉन्ग जंप, जिसमें मैं फर्स्ट आ चुका हूँ फाइनल में भी, और अभी रह गया मेरा 200 मीटर। तो उसमें मतलब 200 मीटर में फर्स्ट हूँ तो चैंपियनशिप लग जाएगी, और ठीक है कंपटीशन है। काट दिया उसने हाथ, किसने? कृष्णा ने पाँव में स्पाइक चुबा, हाथ में स्पाइक चुबा दिए, खून आ रहा। अरे चल कोई नहीं, तो उसका अभी लॉन्ग जंप हो रहा है, बाकी मेरा हो गया और बस 200 रह गया। तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है, पूरी कोशिश करेंगे उसमें भी चैंपियनशिप मारने की कोशिश करना भाई अपन को, जितनी मेहनत करता हूँ यहाँ के तो बनता तो है भाई इसके लिए, बाकी अपना यहाँ 100% देना है। और कंपटीशन है थोड़ा बहुत है, मतलब यहाँ पे तो है इतना भी नहीं है, लेकिन अब हो रहा है इसका पता नहीं क्या हुआ। ऑल द बेस्ट ना, अच्छे से करना, ठीक है तू ही आगे। अरे देखो हाथ पे देखो कील मार दे स्पाइक्स, इसमें जो जूते हैं ना ये नेल वाले हैं, देखो उतरी। अबे इसे बिल्कुल शर्म नहीं है, इसका मैंने बताया नहीं आप लोगों को, इसका ना एक्सीडेंट हो गया था
स्कूटी से दिखा देखो इसका एक्सीडेंट हो गया तो बहुत भयंकर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी और इधर भी है शायद, यहाँ पे भी बिल्कुल। देखो फिर भी हार गए भाई, जुनून है क्या? फिर भी तुम हार के जाना, टेंशन मत कर। मैं जरा वहाँ जरा वो लेने जा रहा हूँ, विंचेटर लेने जा रहा हूँ जरा। तो चलते हैं वहाँ से विंचेटर लेके, ऊपर से पहन लेंगे यार, फिर हवा लगती है ना बाहर की तो ठीक नहीं है बॉडी में। तो बस फाइनली मैंने विंचेटर पहन लिया ताकि ना बाहर की हवा नहीं लगे मतलब। और मेरे भी ना पैर में लग गया था उस कृष्ण की तरह, यहाँ पे खून निकल रहा था मेरे भी लॉन्ग जंप से पहले। कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसे क्या देख रहा, इतना लंबा चौड़ा हो गया डूब मर, कुछ ही नहीं मतलब घूमने आ रखा है ऐसा बताओ एक्स्ट्रा में। बोलो मेरे को कैमरा पैन है, कैमरा मैन 10 रुपये दिहाड़ी दिन का। तो अभी होगा 200 मीटर, तब तक हम रेस्ट करते क्योंकि एनर्जी बिल्कुल नहीं है मेरे पास। मैं कुछ लाया हूँ मैं खाने के लिए, क्या लाया लग रही थी थोड़ी बहुत भूख मतलब यार, एनर्जी तो है नहीं। तो मैं कृष्ण का टिफिन खा रहा हूँ, वो लाया मेरे लिए। तो इसमें क्या है पता नहीं मुझे, सर मैगी वैगी लाया होगा बट मैगी तो और मैं कह रहा है कोई नहीं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं उसके लिए भी थोड़ा बहुत रख देंगे। तो भाई इसको खाने के बाद मैं करूँगा आराम, और जब भी मेरे 200 मीटर होगा फिर मैं बता दूँ आप लोगों को। इसको हो रहा है कृष्णा का 200 मीटर अंडर 14। आराम से निकाल लेगा यार ये तो। कोई नहीं आराम से आ जाएगा यार, देखो बच्चे यहाँ बहुत सही है इसका तो ठीक है यार, थोड़ा कॉम्पिटिशन मेरा है अपने टाइम पे वाले। तूने भी इतनी चैंपियनशिप मारी, इसका ठीक बता रहा हूं। इसके हाथ में दर्द हो रहा है सर, हाथ में पट्टी लगी रखी है, पट्टी लगा रखी है इसने, इसका हाथ चोट लग गया था ना। दिखा क्या हुआ, दिखा थोड़ा भी आ गया था सामने, इसके हाथ से खून निकलने लग गया। इसका हाथ देखो खून निकलने लगा। फाइनल हो गए, अब हो रहा लड़कियों का, अब पता नहीं मेरा कब होता है यार 200 मीटर। इतना इसमें रहता ना गर्म रहेगा, गर्म रहेगी बॉडी। मैंने बाम लगा, जलन मच रही मेरे में। कोई नहीं मज़ा आ रहा है, गर्म रहनी चाहिए ना बॉडी, ठंडी हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा भागने में। दूध देख लो तो वैसे 200 मीटर तो हिट मतलब हो गया, और इसमें ही फर्स्ट आया था। तो बाकी 200 मीटर फाइनल हो रहा है मेरा ये, तो ये लास्ट गेम है मेरा, और आज जुमा भी है तो उसके बाद मैं निकल जाऊंगा जुमा पढ़ने के लिए। और इसमें देखते हैं क्या होता है कि लास्ट में खींचना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसमें जो मतलब जब बंदा कटता है वो है सर्कल के टाइम पे, जब जब मोड़ आता है जब कटता है बंदा। तो कोई नहीं, ये भी निकाल दिया मैंने। मैं 200 मीटर में भी फर्स्ट आ गया और चैंपियनशिप ले गया, बट यहाँ तो कुछ नहीं, अब डिस्ट्रिक्ट जाएंगे हम पौड़ी, वहाँ पे जो अब वहाँ पे अगर चैंपियनशिप मारेगा उसे ट्रॉफी मिलता है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बट कोई नहीं चलता है। तो हम लोग हाँ गर्म क्या हो रहा है इसकी गद्दी। तो अभी जा रहे हैं हम लोग जुमा पढ़ने, आज जुमा है, जुमा पढ़ने जा रहे हैं। तो बाकी पौड़ी में देखेंगे, कोशिश करेंगे कि वहाँ चैंपियनशिप मारे। यहाँ तो हम अपने गेम्स को लेके जाते हैं साथ में, और चैंपियनशिप वहाँ मारेंगे हम लोग, तो वहाँ पे मिलती है ट्रॉफी मतलब अभी शाम को। और शायद मैं बहुत थक गया सच्ची में, तो मिलता आपको थोड़ी देर में जुमा पढ़ने के बाद। A few moments later. अभी बज रहे हैं शाम के 5, और अभी जा रहा हूँ मैं हॉस्पिटल कृष्णा के साथ। उसके जो हाथ पे चोट लगा ना, तो उसके टेटनस का सुई लगाने जा रहा हूँ, और थोड़ी पट्टी में भी खून हो गया दिखा, जो खून खून हो गया तो चेंज करवाएंगे इसको और सुई भी लगवाएंगे। तो चलते हैं, मेरे भी लग गया बट मेरे छोड़ो यार, मतलब मैंने थोड़ा सा लगा था बट खून निकला था, तो भाई टेटनस में हो जाए, देखता हूँ मैं क्या करता है। तो चलते हैं हॉस्पिटल में, कैसा लग रहा है? काल हो गया यार, धूप में रह गया इसका देखो। ये तो ऐसे गया था घूमने, धूप छाए में बैठा था। देखो मैं यही विंचेटर पहन के आ गया, ये आया ना देखो शॉर्ट्स पहन के आ रहा है, इसलिए मैंने मैं वही पहन के चलते हैं, नमाज ही तो पढ़ना। मस्त व्यू आ रहा है देख, यहाँ पे देख पढ़ लें सनसेट का ना। हाँ बड़ा फील नहीं गया ना, अजीब से नहीं लग रहा, मतलब फील्ड जावे रोज आज जा नहीं रहे, बड़ा थकान बहुत लग रहा है आप। हाँ यार, तो हम पहुँचने वाले हैं, हाँ ज़्यादातर तो हम धूप में रहे ना वो पहन के, तो हम ज़्यादा थक गए।
बाकी पहुँचने वाले हम। चप्पल टूट गई यार, देखो पता इससे पहले ही मेरे यही हुआ था, मैं घूमने जा रहा था रियान के उसके साथ संगम के साथ, चप्पल टूट गई रात फिर से देखो उसके साथ हॉस्पिटल है। काम होता तो तेजी चल जाते फेंक, तो हाथ उठा लेते मैं, तो ले चल भाई कंधे पे जरा यहां लगी मामला हो गया। उसको ना कृष्णा को डॉक्टर ने बोला कि मतलब उसमें बहुत अजीब सा हो रखा था, वो सूज भी गया था और मतलब बहुत बड़ा था। अब देखा मैंने ना पूरा पट्टी वट्टी खोल के, तो उसमें टाँके लगाने जरूरी है, उन्होंने लगाया नहीं उस टाइम पे, जल्दी जल्दी चला गया ना, टेटनेस का सुई लगवाया, इसका तो हम सुई लगवाने आए थे, तो उसमें टाँके लगवा रहे हो और सुई भी लगाएंगे अभी, तो मतलब कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया मामला, बहुत भयंकर है उसका मतलब हाथ ना, तो ये है ना ये चीज़ उखड़ गया मतलब पूरा वहीं पे है, मतलब जो ये इतना ना इधर से ऊपर की तरफ से उठ चुका है वो, तो उसमें वो टाँके लगा रहे और सुई भी लगाएंगे अब, तो मुझे तो बाहर भेज दिया उन्होंने कि बाहर थोड़ा वेट करो बोल टाइम लगेगा, मैं चलो। तो भाई शाम हो ही ना मतलब हो ही गया, टाइम 6 बज रहा है, देखते कि कब तक होता है उसका सुई मतलब टाँके वगैरह कब तक लगाते हैं कंप्लीट होता है, बाकी इसकी दवाई ववाई लेने के बाद फिर चलेंगे घर। इसका वो बन चुका है दिखा दिखा, अब इसके टाँके भी लग गए और मतलब पट्टी वट्टी भी अच्छे से कर दिया मतलब इसका, अरे देखो इसका कितना बड़ा ये मिला देखो दवाई राइटिंग अच्छी यार सीखनी पड़ेगी देख देख दवाई के नाम है, देख के सीखनी पड़ेगा। चलते हैं घर।